alaikum, everyone. Welcome to vocabulary. We learn English with easy lessons. Lessons some newspaper vocabulary words. Uh, today's article is from Dawn News where they reported about the NATO chief statements about Ukraine's consumption of weapons. Uh, if you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that lesson. And link to the article is also in description in case you want to read the article. And kindly uh, subscribe to my channel if you haven't subscribed yet and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lesson.

किया है ठीक है तो उससे आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी इन वोबरी वर्ड्स की तो ये आ, उस आर्टिकल की हेडलाइन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नेटो चीफ कि नेटो का जो चीफ है उ, उन्होंने ये कहा है कि ये जो यूक्रेन है वो ज़्यादा म्यूनिशन यूज़ कर रहा है ज़्यादा जंगी आलात यूज़ कर रहा है उसकी बनस्बत जितने के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको शायद इस बात के बारे में मालूम होगा कि जो यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है इस वॉर में यूक्रेन को जो जो नेटो अलाइज़ हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं नेटो अलाइज की वो जो है यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो इस वजह से उन्होंने नेटो चीफ ने कहा है कि जितनी यूक्रेन को वेपन्स की ज़रूरत हो रही है जितना वो यूज़ कर रहा है हमारी उतनी प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास उतनी

बस बढ़ा देना नहीं मतलब कि बड़ी तेजी से बढ़ाना जो तेजी से बढ़ाना होता है उसके लिए हम रैंप अप जो है ना वो यूज करते हैं ठीक है जैसे किसमें उन्होंने सेंटेंस में इस तरह से कहा था कि नेटो नीड्स टू तो रैंप अप प्रोटेक्शन ऑफ एमिनेशन ठीक है कि वो कह रहे हैं कि एमिनेशन ये जो जो भी होती है गोलियां वगैरह यूज की जाती हैं जो जो भी गन्स वगैरह में इस तरह से ठीक है उनके जो शेल्स वगैरह होते हैं उसको एमिनेशन कहा जाता है ठीक है तो वो ये कह रहे हैं कि नेटो को अब जरूरत है कि ये जो भी एमिनेशन है जो इस्तेमाल हो रहे रहे हैं इनकी प्रोडक्शन को रैंप अप किया जाए मतलब कि तेजी से इसको इंक्रीज किया जाए इसमें बड़ी तेजी से इजाफा किया जाए ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूज पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है आउटस्ट्रिप आउटस्ट्रिप इज अ वर्ब एंड इट मींस टू एक्सीड किसी चीज का बढ़ जाना ठीक है किसी uh, खास लेवल से किसी कोई चीज़ अगर उससे बढ़ जाती है तो वो आउटस्ट्रिप कर गई है जैसे अभी आपको सेंटेंस से समझ में आएगा इसका एग्जैक्ट मतलब कि जैसे एज़ यूक्रेन रेट ऑफ यूज इज फार आउटस्ट्रिपिंग करंट कैपेसिटीज ठीक है अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं हमेशा एक्सीड uh, जो कहा जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि बढ़ गया है वो कम्पेरिजन में होता है वो ये कह रहे हैं कि नेटो का uh, वो सॉरी यूक्रेन का uh, जो इस्तेमाल है जो उसकी कंजम्पशन है उसका जो यूजेज है उसका जो रेट है मतलब कि उसके इस्तेमाल का जो तनासुब है ना वो आउटस्ट्रिप कर रहा है मतलब कि वो कर रहा है वो है 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 हमारी जो करंट इस वक्त कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की ठीक तो स्टॉक पाइल स्टॉक इज नाउन इट मीन लार्ज स्टॉक ऑफ अक्यूमलेटेड गुड्स और मटेरियल स्टॉक पाइल आप कहेंगे जब कोई भी uh, मतलब मटेरियल है कोई भी चीज़ें हैं कोई गुड्स हैं कोई भी सामान है कोई भी, है, भी चीज़ें हैं जब उसको आप इकट्ठा करके एक जगह पर उसका ढेर लगा दे उसको एक पाइल बना दे उसका तो वो उसको अब स्टॉक पाइल कहेंगे ठीक है जैसे कि इन्होंने सेंटेंस में इस तरह से यूज़ किया था कि नेटो नीड्स टू रैम्प अप प्रोटेक्शन ऑफ एम्यशन एज यूक्रेन रेट ऑफ यूज इज इज फार आउटस्ट्रिपिंग करंट कैपेसिटीज एंड ड्रेनिंग स्टॉक पाइल्स ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो करंट जो कैपेसिटी है हमें रैम्प अप करने ज़रूरत है है प्रोडक्शन को ठीक क्योंकि जो उसकी एमिनेशन है जो यूक्रेन का जो रेट ऑफ यूजेज है उसका जो इस्तेमाल का जो तनासुब है वो आउटस्ट्रिप कर रहा है हमारी जो करंट कैपेसिटीज हैं एंड ड्रेनिंग स्टॉक पाइल्स के मतलब हमने जो uh, स्टॉक किया हुआ है हमने जो जंगी आलात को जो स्टॉक किया हुआ है जो हमारे वो जो पाइल्स हैं टीके जो हमने इकट्ठे करके मतलब के रखे हुए हैं उसको ड्रेन कर रहा है मतलब कि उसको ख़त्म कर रहा है कोई भी चीज़ को ड्रेन करने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को वो चीज़ नीचे आ रही है उसकी जो जितना उसका असल क्वान्टिटी या लेवल है वो उस क्वान्टिटी से नीचे आ रही है जैसे कहते हैं ना कि ये मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है मतलब कि आपकी एनर्जी सुबह के टाइम में तो ज़्यादा होती है वह जब जो काम करते जाते जूही शाम होती तो हमारी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है हम सुस्त होने लग जाते हैं ठीक है थीके? तो वो ड्रेन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की जितनी भी कैपेसिटी इस वक्त है वो उससे नीचे आना शुरू हो जाती है अच्छा जी नेक्स्ट है जी डिप्लीट डिप्लीट इज़ ए वर्ब एन इट मीनस टू यूज टू यूजप सप्लाई और रिसोर्स डिप्लीट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपके पास काफ़ी सारी पड़ी हुई है जो भी जो, मतलब कि जितनी भी उसकी क्वान्टिटी पड़ी हुई है अब आप, आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं अब चूंकि वो इस्तेमाल यूज़अप का मतलब है कि आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं और इस्तेमाल करते करते आप उसको तकरीबन ख़त्म के जो है ना वो मतलब लेवल पर ले आ रहे हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो रही है वो किसी भी चीज़ की सप्लाई हो सकती है कोई रिसोर्स कोई भी चीज़ है तो आपने उस चीज़

के रखे हुए जितने उनके पास जखीरा आप समझ लीजिए इसको कह सकते हैं ठीक है कि उनका जितना भी जखीरा पड़ा हुआ है अब वो जखीरा जो है वो डिप्लीट हो रहा है मतलब कि वो खत्म हो रहा है नेक्स्ट हमारे पास न्यूज पेपर वर्ड है वो है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इज नाउन इट यूज ऑफ एनर्जी टाइम और अदर खर्चा जो हम कहते हैं ना एक्सपेंडिचर आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स क्या है मतलब कि आपके महीने का खर्चा क्या है एक्सपेंडिचर ज्यादातर हम जो ना वो पैसों के के मतलब मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं ठीक है माई मंथली एक्सपेंडिचर्स आर एक्सीडिंग माई माई पे ठीक है कि या सैलरी मेरे जो भी मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं मेरे जो अखराजा हैं वो मेरी पे

जिस से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हाई है दिस दिस पुट्स डिफेंस इंडस्ट्रीज अंडर स्ट्रेन कि जिसकी वजह से हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है डिफेंस इंडस्ट्री क्या होती है जो जो ये जंगी हालात को प्रोड्यूस करती है जो बनाती है ठीक है तो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर अंडर स्ट्रेन का मतलब यह है कि प्रेशर में आ गई है वो ठीक है उसको बहुत ज्यादा तनाव में आ गई है वो ठीक है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है कि अब आप ज्यादा जो है ना वो प्रोडक्शन जो है ना वो अपनी इंक्रीज करें नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है रिप्लेनिश रिप्लेनिश इज अ वर्ड एंड इट मीन्स टू फिल अप समथिंग अगेन रिप्लेनिश कहते हैं कोई चीज़ है उसमें पहले एक चीज़ मौजूद थी अब वो, वो ख़त्म हो गई तो आप अब उसमें दोबारा से उस चीज़ को भर रहे हैं इसकी कॉमन एग्जाम्पल देखिए गिलास है ना अब खाना खा रहे हैं ग्लास में पानी है आपने पानी पी लिया अब जाहिर है कि गिलास खाली हो गया तो अब जग से जब आप दोबारा से उस ग्लास को भरेंगे पानी से तो आप रिप्लेनिश कर रहे हैं उस गिलास को ठीक है दोबारा से भरने को ना रिप्लेनिश करना कहते हैं अच्छा जैसे कि इसका रास्ते पर है कि वो अपनी जो सपोर्ट है उसको जारी रखेंगे जो यूक्रेन की सपोर्ट है उसको जारी रखेंगे लेकिन इसके साथ साथ बट ऑल्सो मतलब कि लेकिन इसके साथ जो है ना वो रिप्लेनिश करेंगे हमारे अपने स्टॉक्स और जो उनके अपने स्टॉक्स जो है वो जंगी हालात

नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स इज अ नाउन एंड इट मींस अच्छा इसको समझ लीजिएगा कि लॉजिस्टिक्स कहा किसको जाता है इसका मीनिंग थोड़ा सा लंबा ये लिखा हुआ है क्योंकि इसको समझना है लॉजिस्टिक्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंसम्प्शन ठीक है लॉजिस्टिक्स हमेशा कहा जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना जो, जो कोई, कोई गुड्स जो है वो सामान प्रोड्यूस करती हैं कोई भी उनकी प्रोडक्ट होती है ठीक है तो उसमें जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है कि उसने पूरा प्रोसेस प्लान करना होता है और इसको एक, उसको एग्जीक्यूट करना होता है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सामान है जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा है या जहाँ वो स्टोर हो रहा है ठीक है उस वहाँ से स्टोरेज से उठा कर जहाँ पर उसकी जरूरत है उस उस जहाँ पर उसको उसने कंज्यूम होना है उसकी ज़रूरत है जहाँ पर उसने इस्तेमाल होना है वहाँ तक पहुँचाने को ना सामान को इसको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है मतलब कि जहाँ पर वो सामान प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन से उठाकर जहाँ पर उसकी कंजम्पशन है जहाँ लोगों ने इस्तेमाल करना है वहाँ तक टाइमली

पहुंचाना जो है ना हम इसकी रेस में है क्योंकि जाहिर बात है कि उसमें ड्यूरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टाइमली जो है ना वो जो फ्रंट्स फ्रे जहां पर वो मतलब लड़ाई हो रही है उन फ्रंट्स तक जो है ना वो सामान को पहुंचाया जा सके नेक्स्ट सीज सीज इज इजर्ड एन इट मीन टेक होल्ड ऑफ समथिंग फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती जो है ना वो किसी चीज के, का को आप अपने काबू में कर लें उसको होल्ड कर लें तो उसको सीज करना कहते हैं जैसे कि सेंटेंस ये है कि की कैपेबिलिटीज लाइक एम्यूनेशन फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स मस्ट रीच यूक्रेन बिफोर रशिया कैन सीज द इनिशिएटिव ऑन द बैटल जैसे कि उन्होंने पहले कहा ना कि हम लोग इस वक्त रेस ऑफ लॉजिस्टिक्स में है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसकी जो इसके लिए जो ना इस वजह से हम रेस ऑफ क्योंकि जो की कैपेबिलिटीज है मतलब कि जो बड़े अहम चीजें हैं वो जैसे कि एम्यूनेशन हो गई जैसे गोलियां वगैरह जो हो गई फ्यूल हो गया जो ऑयल वगैरह होता है ठीक है स्पेयर पार्ट्स हो गए जैसे जो भी जाहिर टैंक्स वगैरह के ये जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वहीकल्स वहां पर उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं या जो जंगी आलात के होते हैं ठीक है तो वो यूक्रेन के मतलब तक पहुंच जाना वो ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले कि रशिया जो है वो बैटल फील्ड में जो ये इनिशिएटिव्स हैं जो हम पहुंचा रहे हैं इसको सीज़ कर दे मतलब कि वो रास्ते बंद कर दे या किसी तरीके से वो जो ना वो कट कर दे कि वो वहाँ तक पहुंचाया ना जा सके तो इससे पहले हमें वहां तक पहुंचाने हैं नेक्स्ट इज जी होल्ड इन ग्लव होल्ड इन ग्लव इज ए फ्रेस एंड इट मीनस इन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप कोई दो लोग जो है ना उनका बड़ा वो बड़े uh, उनका बड़ा क्लोज किस्म का एक दूसरे के साथ ताउन चल रहा है तो आप उन दोनों को कहेंगे कि दे बोथ आर होल्डिंग इन ग्लव ठीक है कि वो उन दोनों का बड़ा स्ट्रोंग किस्म का बड़ा क्लोज जो है ना उनका रिलेशनशिप है और उनका ताउन एक दूसरे के साथ जो कॉपरेशन है वो बड़ा स्ट्रांग किस्म का और बड़ा क्लोज है बड़ा करीबी है ठीक है तो इसको इन्होंने इस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया था कि यूएस uh,

होकर अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना ताकि हम इस, इसको कर सके इस काम को कर सके नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लैश स्लैश इज अ वर्ड एंड इट मीन टू कट किसी भी चीज को काट देने के लिए हमारे पास स्लैश जो ना वर्ड है जैसे आप नाइफ वगैरह से किसी फ्रूट को किसी वेजिटेबल को किसी भी चीज़ को काटते हैं तो यू आर स्लैशिंग दैट थिंग ठीक है स्लैश वर्ड भी यूज कर सकते हैं कट भी यूज कर सकते हैं तो सेंटेंस ये है कि यूएस नेटो एम्बेसडर जूलियन स्मिथ द अलायंस वाज लुकिंग टू वर्क हैंड इन ग्लव विद इंडस्ट्री टू रैंप अप आउटपुट एंड स्लैश प्रोडक्शन टाइम ठीक है कि वो कह रहे हैं कि आउटपुट को रैंप अप कर सके मतलब कि रैंप मैंने अभी रैंप अप आपका मतलब पीछे बताया ना कि किसी चीज़ की अमाउंट या उसके लेवल को बढ़ा देना मतलब कि उसकी जो आउटपुट है जो भी प्रोडक्शन है उसकी आउटपुट को हम मतलब तो ज़्यादा से जादा हम प्रोड्यूस कर सके एंड स्लैश प्रोडक्शन टाइम है हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो प्रोडक्शन कर सके ओके okay, जी फ्रेंड्स यहाँ पर लेसन खत्म होता कि ये लेसन आपके लिए था, आपने कुछ नया सीखा